हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ठेकुआ की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे छठ पूजा में प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनती है हमारी ठेकुआ। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी से आटा को भुरभुरा गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा पानी में हमारा आटा तैयार हो गया। ये ठेकुआ बनाने का साँचा है, इसे हम पहले घी से ग्रीस कर लेंगे, फिर इस पर हम ठेकुआ बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपके पास यदि साँचा नहीं हो तो किचन में जो हमारी छलनी होती है उस पर भी ग्रीस करके ठेकुआ बनाया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, और अपनी हथेली को भी यूज करके हम ठेकुआ बना सकते हैं। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, पहले थोड़ा सा घी लगा लिया और अपनी हथेली पे ही प्रेस करके हम ठेकुआ बना लेंगे। आपके पास यदि नॉनस्टिक कढ़ाई है तो आप नॉनस्टिक कढ़ाई यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है, जो मोटे तले वाली होती है। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं। और हम पूरे ठेकुए को मीडियम और लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे, जिससे ये अंदर अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। देख सकते हैं हमारा ठेकुआ गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह हम मीडियम फ्लेम पर सारी ठेकुए को तल लेंगे।
हमारा क्रिस्पी एंड यम्मी यम्मी ठेकुआ तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये हार्ड भी नहीं है, अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छे से कुक हो गया है अंदर भी। और इसे आप एयर टाइट डब्बों में कुछ दिनों तक सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।